अमेरिका में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उसे मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, न्याय हुआ। अल जवाहिरी पर $25 मिलियन का इनाम घोषित था। उसने 11 सितंबर 2001 के अमेरिकी हमलों में कोऑर्डिनेशन करने में मदद की थी। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। जाने कितना क्रूर था अल जवाहिरी। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। केन्या की राजधानी नैरोबी और तंजानिया के दार ए सलाम में 7 अगस्त 1998 को अमेरिका दूतावास के बाहर ट्रक धमाका हुआ। दोनों ब्लास्ट में 224 लोगों की मौत हुई और 4500 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में 12 अमेरिकी भी शामिल थे, जिसका बदला अमेरिका ने लिया है। 12 अक्टूबर 2000 को हुआ यूएसएस कोल अटैक अलकायदा का ही एक आत्मघाती हमला था। घटना में 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। सेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तबाह हो गया था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए। हमले में 2996 लोगों की मौत और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस क्रूरता ने हर किसी को हिला दिया था। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।